हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल इमरान खान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन में सिस्टम अपडेट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिस्टम अपडेट कर सकते हो। वह कैसे मैं आपको बताऊँगा। सिस्टम अपडेट करने पर आपका मोबाइल फास्ट वर्क करने लगेगा और आपको कुछ न्यू फीचर्स ऐड होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन का सिस्टम अपडेट करना चाहते हो तो पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपके सामने सिस्टम अपडेट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। सिस्टम अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू वाईफाई और डेटा नेटवर्क। तो आपको नीचे सेट नेटवर्क ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पेज में आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन डुअल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। और आप अपने मोबाइल डेटा नेटवर्क सेटिंग्स पेज में आओगे, यहाँ पर आपको अपना डेटा नेटवर्क ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको सिस्टम अपडेट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन सिस्टम अपडेट पूछ रहा है। मेरा करंट वर्शन है 8.71.13 और यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट वर्शन है 8.71.16 और ये 196.25 MB का है। सिस्टम अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन इंप्रूव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नीचे सभी ऑप्शन के बारे में लिखा होगा। तो आपको अपना सिस्टम अपडेट करना चाहते हो तो नीचे आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और आपको ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर करेंटली यूजिंग डेटा नेटवर्क कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपका ये वर्शन डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होते वक्त आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो उसको आपको टच नहीं करना है। आपको ऑन हुए तक उसको टच नहीं करना है, क्योंकि टच करने पर आपका मोबाइल बंद भी हो सकता है। तो आपको अपना मोबाइल 10-15 मिनट्स साइड रख देना है, उसको बिल्कुल ही टच नहीं करना है। आपका ये वर्शन इंस्टॉल करने वक्त आपका मोबाइल 30-40% बैटरी होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा चलेगा। अगर आपके मोबाइल में 10-15% चार्जिंग है तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि आपका मोबाइल बंद होने के चांसेस होते हैं। तो आपको 50% से भी ज़्यादा चार्जिंग रख के इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिस्टम अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिस्टम अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।